अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग किस ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले हैं। तो मैं हूँ इस वक्त रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आप लोग ये देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है रोहड़ी और कोटरी के दरमियान चलने वाली 214 डाउन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन अपना पूरा सफर ML2 पर करती है, यानी कि ये खैरपुर नवाबशाह टंडादम से होती हुई कोटरी तक नहीं पहुंचती, बल्कि लाड़काना मोहनजोदड़ो दादू सेवन से होती हुई कोटरी तक पहुंचती है। और इस लाइन को हम दूसरे अल्फाज में मेन लाइन 2 कहते हैं। और फिलहाल इस रूट पर चलने वाली ये वाहिद ट्रेन है, जबकि इसके अलावा इस रूट पर कराची और क्वेटा के दरमियान चलने वाली बुलान मेल और कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाले खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस भी चलती हैं, लेकिन ये दोनों ही ट्रेन लॉकडाउन के बाद से सस्पेंडेड हैं। तो दोस्तों इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, जबकि मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस का रोहड़ी जंक्शन से निकलने का टाइम है 7 बजे का। तो इस जर्नी के हबीबकोट से लेकर कोटरी तक के तमाम पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस जर्नी का ये हिस्सा यानी कि रोहड़ी जंक्शन से लेकर हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, और इस पार्ट को मैंने खुद ही डिले इसीलिए किया क्योंकि ये रूट कोयटा के रास्ते में आता है और काफी लोग ये रूट पहले भी देख चुके हैं। तो इसीलिए जो रूट ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा था उस रूट की वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दी थी। तो ये पार्ट होने वाला है रोहड़ी जंक्शन से लेकर हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों तकरीबन 6:30 बजे रोहड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जिसके लीड पर लगा हुआ था कराची शर्ट का एक यूनिक नंबर लोकोमोटिव जिसका नंबर था 8222। तो दोस्तों मैं रोहड़ी स्टेशन पर अभी वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस से ही पहुंचा हूं, और रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहले बेगमाजी रेलवे स्टेशन पर हमारी वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस ने इस फ्रेट ट्रेन को ओवरटेक किया था, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की यार्ड लाइंस पर लग रही है। तो जिस वक्त फ्रेट ट्रेन यार्ड लाइंस पर लग रही थी, ठीक उसी दौरान GMU 15 4816 मेरी ट्रेन 214 डाउन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस को लीड करने के लिए आ रहा था।
तो दोस्तों दोनों ट्रेनों ने अपना स्टार्टिंग विसल दे दिया है और हमारी ट्रेन को गार्ड साहब ने झंडी भी दिखाना शुरू कर दी है, जबकि ग्रीन लाइन भी रेडी है निकलने के लिए यहाँ से। और ग्रीन लाइन ने अपना लास्ट विसल भी दे दिया है। ग्रीन लाइन चलने लग गई है, जबकि हमारी भी तैयार है ट्रेन चलने के लिए यहाँ से। तो ये जल्दी चल जाए ताकि एक अच्छा पैरल एक्शन देखने को मिल जाए हमें। चलें जी, हमारी ट्रेन भी चल गई है। ग्रीन लाइन भी स्लो स्लो चल रही है। लेकिन हमने ग्रीन लाइन को पीछे छोड़ दिया है और हम ग्रीन लाइन से आगे निकल चुके हैं। ग्रीन लाइन रुक गई है शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से और ये पैरेलल एक्शन मिस हो चुका है। तो बहुत थोड़ा सा पैरेलल एक्शन हुआ था लेकिन ग्रीन लाइन के रुकने की वजह से वो नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो ये काफ़ी अच्छा पैरेलल एक्शन होता, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब हम कुछ ही देर में क्रॉस करेंगे अयूब ब्रिज को। तो अयूब ब्रिज की तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह हम जल्दी आने वाली न्यू वीडियो में देखेंगे, जिसकी एक काफी दिलचस्प कहानी है जो कि हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये जान लें कि अयूब ब्रिज पाकिस्तान का वाहिद सस्पेंशन रेल ब्रिज है, जिसका इफ्तिताह 6 मई 1962 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ने किया।
तो दोस्तों दरिया सिंध को पार करते ही हम लोग रोड़ी शहर से सक्कर शहर में दाखिल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दरिया पार करके कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में दाखिल होते हैं। तो अगर पाकिस्तान के मजीद ऐसे शहर हैं जिनके दरमियान दरिया बॉर्डर का काम करता है तो मुझे उन शहरों के नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वक्त टाइम हुआ है 7:12 और हमारी ट्रेन एंटर हो रही है सक्कर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेन ने एग्जैक्टली 10 मिनट लिए हैं रोड़ी जंक्शन से लेकर सक्कर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में। तो दोस्तों एग्जैक्टली 5 मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है सक्कर रेलवे स्टेशन से। तो सक्कर रेलवे स्टेशन आज से तकरीबन 2 साल पहले तो काफ़ी मसरूफ रहता था कि जहां पर इस स्टेशन पर दिन में तकरीबन 6 अप की और 6 डाउन की ट्रेन आती जाती थीं, लेकिन अब इस स्टेशन के हालात कुछ ऐसे हैं कि अब दिन के सिर्फ 3 अप और 3 डाउन की ट्रेन ही यहाँ से गुजरती हैं, यानी कि ट्रेन ट्रैफिक बिल्कुल आधा हो चुका है। तो इस पर अगर हम नज़र डालें कि ऐसा क्यों हुआ तो सीन कुछ यह है कि जो कराची और सक्कर के दरमियान सिंध एक्सप्रेस चलाई गई थी उसका रूट बाद में चेंज करके कराची से मुल्तान तक कर दिया गया और वो ट्रेन रोड़ी से सक्कर आने के बजाय सीधा ही निकल जाती थी। इसके अलावा लाहौर और क्वेटा के दरमियान चलने वाली अकबर एक्सप्रेस और खानपुर और सक्कर के दरमियान चलने वाली रूही एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन्स भी लॉकडाउन के बाद से सस्पेंडेड हैं और इन्हें दोबारा नहीं चलाया गया। यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से अब सक्कर रेलवे स्टेशन पर पहले वाली रौनक नहीं है। तो अब हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन, लेकिन उससे पहले हमारी ट्रेन 2 रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी जिनमें अब पहले आएगा अराइन रोड रेलवे स्टेशन, उसके बाद आएगा गोसरजी रेलवे स्टेशन। तो चले अब लास्ट कोर्स का ट्रैक साउंड एंजॉय करते हैं और सक्कर शहर से निकलते हैं। Thank you.
दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन एक लॉन्ग कर्व लेते हुए पहुंच रही है हबीबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इसी के साथ ये जो आप बराबर में एक रेलवे ट्रैक देख रहे हैं जो कि अभी अभी हमारे ट्रैक के पास आया है, ये है हबीबकोट से कोटरी वाला ट्रैक। और हबीबपुर जंक्शन पर हमारी ट्रेन पूरी शंट होने के बाद इस लाइन पर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर शंटिंग कैसे की जाती है इसकी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे दिए गए लिंक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:58 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ ही रोड़ी जंक्शन से लेकर कोटरी जंक्शन तक का ये सफर मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके तमाम पार्ट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में इसीलिए किया क्योंकि बहुत से लोगों ने इस सेक्शन पर आने वाले शहरों को नहीं देखा हुआ। तो अगर आप लोग रोड़ी जंक्शन से लेकर कोटरी जंक्शन तक का एक समराइज व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग इस जर्नी के पार्ट्स देखने के बजाय एक वीडियो में ही ये पूरा जर्नी एंजॉय कर लें। तो इसी के साथ ही दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अयूब ब्रिज के ऊपर से ट्रेन के इस क्रॉसिंग को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को शंट किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारी ट्रेन को उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में अभी हमारी ट्रेन हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।